कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना करने के बाद गांधी परिवार ने अपने एक और भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतार दिया। गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह पीएम थे, लेकिन फैसले पीएमओ से नहीं सोनिया गांधी के आवास से लिए जाते थे। अब खड़गे का चेहरा आगे कर गांधी परिवार पार्टी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता है, लेकिन शशि थरूर ने ताल ठोक कर गांधी परिवार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर दिया है। थरूर ने अभी से ही गांधी परिवार की नींद उड़ा दी है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भरने के बाद से ही थरूर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। पार्टी नेताओं को अपने संदेश में थरूर ने कहा कि अगर पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को वोट दीजिएगा और अगर बदलाव चाहिए तो मैं खड़ा हूँ। इससे पहले थरूर ने कहा था कि वो अध्यक्ष बने तो पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव लाएंगे। उन्होंने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता का केंद्रीयकरण खत्म करूंगा और प्रदेश स्तर पर नेताओं को सशक्त करूंगा। थरूर ने कहा कि यदि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनता हूं तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने की परंपरा समाप्त कर दूंगा, जिसके तहत अध्यक्ष को ही हर फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है। आपको बता दें कि ये एक लाइन के फैसले लेने वाली बात थरूर ने सोनिया गांधी के लिए कही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई भी फैसला सोनिया गांधी के मर्जी से ही होता रहा है। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी समर्थन थरूर को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शशि थरूर के खेमे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे निरंतरता और पूर्व की यथास्थिति के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं। इस चुनाव में पार्टी में बदलाव चाहने वालों को ही मतदान करना चाहिए। बता दें कि खुर्शीद को कांग्रेस में खड़गे के समर्थन वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन खुर्शीद ने शशि थरूर का साथ दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में थरूर को और भी दूसरे बड़े नेताओं का समर्थन मिल सकता है। पार्टी के युवा नेता भी थरूर के साथ जा सकते हैं। ऐसे में गांधी परिवार का खड़गे को अध्यक्ष बनाकर रिमोट से पार्टी चलाने के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अगर शशि थरूर अध्यक्ष बने तो इसकी उम्मीद कम ही है कि वो गांधी परिवार की हर बात सुनेंगे। थरूर अपने बयानों के जरिए इसके संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी के वो युवा नेता जो बदलाव चाहते हैं वो थरूर को वोट दे सकते हैं, और अगर थरूर जीत गए तो गांधी परिवार का पार्टी से कंट्रोल खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।